हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास मैक्सलिंक का T3 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है। वैसे तो इसकी सारी सेटिंग T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो से मैच होती है और T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस T3 प्लेयर में बस कैमरे की सेटिंग अलग है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ। जो भी सेटिंग अलग होगी तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि इसकी बैक कैमरे की जो व्यू आ रही है इस टाइप से आ रही है। जब मैं रिवर्स डाल रहा हूँ तो इस टाइप से बैक कैमरा की व्यू आ रही है। तो इसके लिए सेटिंग करना होगा, इसके लिए कार सेटिंग में जाना है, कार सेटिंग, देन सिस्टम सेटिंग, देन फैक्ट्री सेटिंग, देन यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है फैक्ट्री सेटिंग में 2010 2010। ये पासवर्ड यदि वर्क ना करे तो आप 1617 टाइप करना, 1617। ज़्यादातर केस में इस प्लेयर के लिए 2010 ही काम आएगा। देन कंफर्म, देन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आएगी बैक कार सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। देन राइट साइड में सेकेंड ऑप्शन HD रिवर्सिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करना है। देन आप अपने कैमरा के अकॉर्डिंग रेजुलेशन को चूज़ करना। यदि नॉर्मल कैमरा है तो आप CVVS NTSC पर सिलेक्ट करना। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल कैमरा है तो यहाँ पर CVVS NTSC को सिलेक्ट करना होगा, थर्ड नंबर। और यदि HD कैमरा होगा तो आप फर्स्ट वन को सिलेक्ट करना, HD 720p 25Hz। नॉर्मल कैमरा के लिए आपको NTSC सिलेक्ट करना है। देन और अल्ट्रा HD होगा तो आप HD 1080p 25Hz को सिलेक्ट करना। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल कैमरा है तो CVVS NTSC। देन राइट साइड में यहाँ पर सेव बटन आएगा, आप ट्रैक वगैरह ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। देन यहाँ पर सेव बटन है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सेटिंग सेव हो जाएगी। देन आपका प्लेयर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ कैमरे की व्यू। प्लेयर रीस्टार्ट हो चुकी है, अब मैं आपको रिवर्स लगाकर कैमरे की व्यू दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे की सेटिंग हो चुकी थी तो यहाँ पर कैमरा आ चुका है। तो आप इस टाइप से T3 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में बैक कैमरा की सेटिंग कर सकते हो।